दोस्तों मैं आज बहुत खुश हूँ, एकदम सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि जिंदगी का मैंने पहला अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस लिया है। वैसे कोई खास वजह थी नहीं, ऐसी कुछ अल्ट्रा वाइड शॉट लेने की या फिर लैंडस्केप जब मैं क्लिक करता था तो मेरे को कई प्रॉब्लम आती थी अपने मेन जो प्राइम लेंस है उससे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर थोड़ा कभी बजट होगा तो हम ये लेंस लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा इस लेंस की और इसकी प्रोज कॉन्स, कहाँ से लेना चाहिए, कितने का है, ऑफलाइन लेना चाहिए, ऑनलाइन लेना चाहिए वगैरह वगैरह। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वीर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस फ्रेश कमाल एपिसोड के अंदर जिसका नाम आया टेक्निकल थर्सडे। आप देख रहे हैं टेक्निकल गॉसिप। चलिए दोस्तों आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है अपना लेंस, कैनन का 10x18mm लेंस। इसकी बाकी डिटेल्स आपको वीडियो में आगे जाके मैं बताऊंगा और इसकी अनबॉक्सिंग अभी फटाफट हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं 10x18 कैनन का लेंस जिसका अपर्चर है 4.5 to 5.6। दोस्तों ये लेंस व्लॉगिंग के लिए बहुत यूज किया जाता है। इनफैक्ट बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स इस लेंस को यूज करते हैं और बहुत ही अल्ट्रा वाइड होने की वजह से एकदम कमाल की व्लॉगिंग आप इस लेंस से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग हम स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों बॉक्स में इन्होंने और कुछ नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ दो पेपर दे दिए और लेंस डाल के भेज दिया। दोस्तों पेपर वर्क के अंदर आपको एक कैनन का वारंटी कार्ड मिलेगा और कुछ लेंस के कुछ कागजात मिलेंगे जैसे कि इसके जन्म कब हुआ, इसके पिताजी का नाम वगैरह वगैरह। मजाक कर रहा हूँ, ये लेंस कैसे काम करता है हम लोग आपको पढ़ना चाहिए, हम लोग पढ़ते नहीं है, इसको फिलहाल रख देते हैं साइड में। बाकी दोस्तों इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें लेंस दिया है वो भी एकदम लपेट के, दुल्हन को लपेट के देते हैं जोड़े के अंदर। दोस्तों इस लेंस की कुछ खूबियों के बारे में जान लेते हैं। इस लेंस के अंदर आपको इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा, ऑटो फोकस मिल जाएगा और इसकी जो मोटर्स हैं ये एसटीएम मोटर्स हैं जो कि एकदम साइलेंट रहती हैं और आपको जो लेंस में जूमिंग के टाइम जो करकर की आवाज़ है वो उसका आपको सामना करना नहीं पड़ता। इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत वाइड है दोस्तों और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये बहुत अफोर्डेबल लेंस है, एकदम सस्ता नशा है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस कैमरा के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, इसके कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली एक वाइड एंगल लेंस है। वाइड एंगल का मतलब ये होता है कि जो आपका फील्ड ऑफ व्यू है या इसका जो एंगल ऑफ व्यू है वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, मतलब आप बहुत नज़दीक जाके ऑब्जेक्ट के बहुत सारा एरिया कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आपने नोट किया होगा मेरी जो वीडियोस होते हैं उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिलता नहीं है, लेकिन इस लेंस की मदद से अगर आप सिर्फ और सिर्फ 4 फीट की दूरी पे भी हैं तो भी आप बहुत सारा एरिया कवर कर सकते हैं। इसके अंदर आपको इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा जिसकी वजह से आप जो बी रोल्स लेते हैं या फिर आप व्लॉगिंग करते हैं तो आपको बहुत ही स्टेबल शॉट और स्टडी शॉट देखने को मिलता है जो कि एक सिनेमैटिक लुक देता है आपके वीडियो को या फिर आपके शॉट। और दोस्तों ये बहुत ही शार्प लेंस है, इसकी मतलब जो इमेज की जो क्वालिटी है, जो आपको वीडियो जो लेता है एकदम शार्पनेस इसके अंदर फुल भरी रहती है, एकदम बटर मसाला या बटर चिकन के अंदर जैसे आप मसाला छिड़क के रखते हैं वैसा इसके अंदर आपको मिलेगा देखने को। आखिरी बात इस लेंस की मेरे को बहुत अच्छी ये लगती है कि एकदम सस्ता नशा आपको प्रोवाइड करता है, मतलब आप कम पैसे के अंदर भी ज्यादा नशा कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि आप कम पैसे में भी बहुत सारा मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके कॉन्स के बारे में। प्लास्टिक बिल्ड है और इसका जो डिस्टॉर्शन है टाइम टू टाइम वो काफी ज्यादा रहता है, वो पॉजिटिव भी होता है कई बार नेगेटिव भी होता है। डिस्टॉर्शन क्या होता है आप अभी इमेज में देख पा रहे होंगे और इसके 10mm पे कुछ सैंपल शॉट्स मैंने यहाँ पे अटैच कर रखे हैं। आपको इमेजेस कैसे लगे मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगला इसका कौन है, इसका जो अपर्चर है बहुत ही नैरो है, यानी 4.5 से 5.6 तक, हालांकि जो दूसरा वाला जो मेरा लेंस है 50mm उसका अपर्चर 1.8 तक खुलता है। दोस्तों अपर्चर का फंडा बहुत क्लियर है, जितना कम आपका नंबर रहेगा f1.2 या 1.4 या 1.8 उतना वो वाइड ओपनिंग होगा और जितना नंबर ज्यादा होगा उतनी ओपनिंग उसकी कम होगी। जैसे इसकी 4.5 टू 5.6 है, ये काफी छोटा अपर्चर, मतलब लेंस का जो अपर्चर है बहुत छोटा है। दोस्तों लास्ट इसका कौन है, वेदर प्रूफ नहीं है, मतलब आप एकदम एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर इसको यूज नहीं कर सकते, अगर यूज करेंगे तो फिर इसकी बैंड बजा देंगे। दोस्तों अभी मैं कैमरा से कम 4 से 5 फीट की दूरी पे हूं, कैमरा मेरे से बहुत दूर रखा गया है अभी, आप अगर मैं हाथ कर रहा हूं तो भी मैं लेंस तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, यही मैं अभी स्विच करने वाला हूं 3, 2, 1। और दोस्तों ये व्यू आपको देखने को मिलेगा 18mm पे और मैं कैमरा से मुश्किल से डेढ़ हाथ की दूरी पे हूं,
ये देख सकते हैं कि अभी मैं एक हाथ के डिस्टेंस में हूँ कैमरा से, और जो कि बहुत ही कमाल है अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करनी है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने कैमरा लिफ्ट कर रखा है तो आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं, एकदम बिल्कुल भी शेक आपको देखने को नहीं मिलेगा, इमेज आपकी बहुत स्टेबलाइज रहेगी। दोस्तों अगर आप व्लॉगिंग के शौकीन हैं तो ये लेंस आपके लिए बना है। अभी लेंस से मैं मुश्किल से एक फीट की दूरी पे हूँ और मैं ऐसा लग रहा है कि कैमरा को देख के बात कर रहा हूँ, कैमरा का जो अपर्चर है उसकी आंख के अंदर देख के बात कर रहा हूँ। आप इसके इतना नज़दीक आ सकते हैं इनफैक्ट, और इसका मिनिमम फोकस डिस्टेंस भी बहुत कमाल का है। मेरे जो 50mm लेंस है उसको मेरे को बहुत दूर रखना पड़ता है जब भी मैं कभी शूट करता हूँ, तो ये बेनिफिट्स हैं अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के। दोस्तों यार ये इकलौती एक ऐसी साउंड है जो बिल्कुल इरिटेट नहीं करती, एकदम जोश सा पैदा कर देती है। आपको आई गेस समझ में आ गया होगा मैं किस आवाज़ की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि इस लेंस का आपको कौन सा फीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और दोस्तों ये लेंस मैंने ऑफलाइन लिया, मुंबई के अंदर एक स्टोर है मुंबई में जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, जो स्टेशन है उसके जस्ट सामने बुरा बाजार है, बहुत ही फेमस है मुंबई के अंदर। अगर बाहर के लोग हैं, अगर आप कभी मुंबई जाते हैं तो वहां से आप इसको जरूर खरीद सकते हैं। दोस्तों मैंने ऑनलाइन भी चेक किया था लेकिन वहां पर प्राइस थोड़ी ज्यादा थी, और फिर ऑनलाइन को कोई भरोसा नहीं है क्या चीज दे दे, ये एटलीस्ट आप जाके वहां कंप्लेन कर सकते हैं या उनसे मिल सकते हैं कि भाई आपने मेरे को प्रोडक्ट दिया है। और दोस्तों मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि कैमरा या बाकी एक्सेसरीज आपको पर्सनली शॉप पे जाके ट्राई करके टेस्ट करके ही लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। ये था अपना वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको कैनन का 1080mm वाइड एंगल लेंस की अनबॉक्सिंग बताई, इसके प्रोस कॉन्स कहां से खरीदना है। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।